कोई अल्लाह नहीं करेगा। हम लोग बात कर रहे थे चलो एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं, ठीक है। अशोक के 7 छोटे लघु शिलालेख लेख के बारे में और 14 बड़े शिलालेख के बारे में, एक एक करके सब एक साथ बोलते चलेंगे, साथ के साथ अच्छा रहेगा, ठीक है। सबसे पहला रुमनदेई लघु शिलालेख की बात करें ना, कहाँ मिला था? नेपाल। किसकी बात कही गई थी? टैक्स की। किसकी? अर्थव्यवस्था की यानी टैक्स की बात। दूसरा कहाँ मिला था? टोपरा। टोपरा कहाँ है? हरियाणा। तीसरा, दोनों को उठा के कौन लाया था? कहाँ लाया था? तुगलकाबाद। चौथा कौसाम्बी, उसको उठा के कौन ले गया था? अकबर। कहाँ ले गया था? इलाहाबाद, ठीक है। उसमें किसकी चर्चा है? उसकी पीर बीवी, अशोक की पीर बीवी कारूबाकी की चर्चा है ना। उसमें लिखा था कारूबाकी दानी है, दान देने वाली है। क्या देने वाली है? दान देने वाली है। फिर पांचवा, पांचवा बिहार में लगातार 3 मिला था। पांचवा, छठवा, सातवां याद रखना आसान है। कैसे याद रखनी? लौरिया रे राज, लौरिया नंदन, रामपुरवा। बोलो, लौरिया रे राज, लौरिया रामपुरवा, रामपुरवा, ठीक है। इसमें मोर का चित्र किसने बना हुआ है? लौरिया नंदन। किसमें? साथ ही हो गया। अब 14 फटाफट रिवीजन करते हैं। पहला, किसकी बात कही गई है? अहिंसा की। किसी है? अहिंसा। अहिंसा के साथ साथ पशु बलि पर रोक, पशु बलि पर रोक। दूसरे में पशु चिकित्सा, पशु चिकित्सा के साथ दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में कितने राजवंशों की चर्चा है? पांच। चार मेन बोलो, एक तो श्रीलंका हो गया, चार। कौन कौन? चोल, चेर, पांड और श्री किसका? शतीपुत्र। और फिर क्या है? श्रीलंका। पांच हो गया। दूसरा, तीसरे में किसकी चर्चा है? तीन अधिकारी की। किसकी? तीन अधिकारी। तीन अधिकारी कौन कौन थे? राजा, युक्तक, प्रदेशक। ए अलग करेगी अभी। अब ये पूछेगी, तो नाश्ता की थी? हम नाश्ता करके आए, ग्लूकोन डी पी के आई है। मतलब जब रिवीजन कराऊं ना, एक तो घर में पढ़ेगी नहीं और ऊपर से बैठ जाएगी ग्रुप बना के और चबर चबर करते रहेगी। तुम्हें जी बैठो, तुम्हें जी ठीक थी? हाँ, सबको लड़की बिगाड़ रही है ना। अच्छा, अर्चना को इधर आओ। चलो, तीसरा में, हाँ तीसरा में तीन अधिकारी, चौथा में क्या बोला है? भैरी घोष जपे धम्म घोष। पांचवा धम्म महामात, पांचवा धम्म महामात। छठवा लोक कल्याण, किसी बात का क्या है? लोक कल्याण यानी जन कल्याण। सातवां, सबसे बड़ा, देखो ये सबसे बड़ा बैल है वो, काहे रे गधा। सातवां में किसकी बात कहा गया है? समन्वय की बात कहा गया है, धार्मिक समन्वय, सभी लोग आपस में धर्म बना के रखेंगे। आठवां में किसकी चर्चा है? आठवां में धम्म यात्रा की शुरुआत। कौन से वर्ष शुरू हुआ था? आठवें वर्ष, राज्याभिषेक के आठवें वर्ष। गया की यात्रा 10वें, लुम्बिनी की यात्रा, तो भूलना नहीं, एकदम जुबान पे रहना चाहिए, ठीक है। 9वें में छोटे मोटे त्योहारों पर रोक। 10वें में किसकी चर्चा है? धाम का महत्व के बारे में कहा गया। 11वें में किसकी चर्चा है जी? किसकी? ब्राह्मणों को ना सताएं, ब्राह्मण को ना सताएं। 12वें में स्त्री महामात, जैसे पांचवा में था धम्म महामात पुरुषों के लिए था, वैसे 12वें में स्त्री के लिए कहा गया है और स्त्री महामात्र की चर्चा कही गई। 13वें में किसकी चर्चा है? कलिंग युद्ध, बहुत भयानक कलिंग युद्ध था, आप लोग कहानी समझाते हैं ना, 13वें में कलिंग युद्ध। और 14वें में क्या था जी? जो भी गलती सलती हुआ
उसके लिए जिम्मेदार कौन था? लिखने वाला लोहार। अब इसका आगे हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं अशोक के बारे में। आइए, अशोक जो था एक बहुत ही कुशल और प्रतापी राजा था और वो एक योग्य राजा था। उसके शासन व्यवस्था, वो इतना क्रूर राजा था, वो इतना ही क्रूर राजा था कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसके सामने बोलने की कि हमें ये चाहिए, क्या हम इस चीज़ से संतुष्ट नहीं है। हालांकि इतिहासकारों का कहना है कि मौर्य साम्राज्य का, मौर्य वंश का अंत होने का कारण भी कौन था? अशोक। क्योंकि अशोक ने कौन सी यात्रा की, कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म अपना लिया और वो दान देने लगा, वो हथियार को त्याग दिया, क्योंकि बौद्ध धर्म मारना होता नहीं है। हथियार त्याग दिया और बौद्ध धर्म में दान देने लगा। वो इतना दान देने लगा, इतना दान देने लगा, बौद्ध भिक्षुओं को सारा दान कर दिया, जिसके कारण उसके राज्य में संकट आ गया था, आर्थिक संकट। क्या बोलते हैं? आर्थिक संकट। आर्थिक संकट आ गया और ऐसा संकट आ गया कि आगे चल के अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए मौर्य काल में जितनी सोने की मूर्तियां थी सबको गलाना पड़ा। क्या करना पड़ा? गला करके सिक्का बनाना पड़ा, और सिक्का के मतलब अपना अर्थव्यवस्था को ठीक करना पड़ा। तो ये संकट आ गया था, पहली बात। दूसरी बात, मौर्य काल में कोई वैसा अशोक के बाद ढंग का शासक नहीं आया, ढंग का शासक नहीं आया। ये भी एक उसका पतन का क्या बना? कारण बना। उसके अलावे बहुत से ऐसे फैक्टर थे कि अशोक जो था, अशोक जब नहीं चला तो बाकी सारे जो उसके क्या थे, शत्रु राजा थे, उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिए और धीरे धीरे छोटे छोटे साम्राज्य को कब्जा करना शुरू कर दिए। ठीक है, अशोक के बारे में बात करते हैं, उसकी कुछ नीतियों के बारे में, उसके कुछ साम्राज्य के अंदर के बारे में कि कैसे उसके अंदर उसके यहाँ लोग होते थे, कैसे उसके अधिकारी होते थे, किस तरह की जमीनी प्रथा होती थी, किस तरह के सेना होते थे, किस तरह की प्रशासन होते थे, थोड़ी चर्चा इस पर हम लोग करते हैं। तो अगर हम सेना की बात करें, किसकी बात करें? सेना की बात करें तो अशोक में दो तरह के सेना थे, दो तरह के सेना थे। एक सेना थे जिस जो थे अस्थाई सेना थे। क्या थे? अस्थाई। दूसरा था अस्थाई। अब बात को समझते हैं, अस्थाई सेना क्या होता है, अस्थाई सेना क्या होता है। अस्थाई सेना उसे होता है जिसे परमानेंट सैलरी दिया जाता था और उसे परमानेंट रखा जाता था, समझे। अस्थाई सेना उसे कहते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक साल पहले एक न्यूज में आया था कि भारतीय सेना में भी 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सेना में बहाली होगी। सुने थे आप लोग कुछ? अच्छा, सुने थे ना। बहुत से युवा लोग भी फिर भी उमड़ गए थे कि 3 साल के लिए कम से कम योगदान देंगे, क्योंकि उस समय हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच, सॉरी भारत और श्रीलंका चाइना के बीच युद्ध की संभावना ज़्यादा बढ़ गई थी, जब गलवान घाटी का माहौल हुआ था। तो ऐसा आया था कि 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सेना को बहाली करेंगे। तो वो सेना क्या होगी? अस्थाई। क्या अस्थाई? उस सेना की बहाली करने का मकसद क्या था? युद्ध, युद्ध को। तो ये भी बहुत चालाक था अशोक। जो अस्थाई सेना था वो प्रॉपर वेल ट्रेंड होते थे। ये कैसे होते थे जी? वेल ट्रेंड होते थे, यानी कि एकदम पूरा उच्च प्रशिक्षण होते थे, हाँ सुव्यवस्थित होते थे। और ये जो होते थे ये किराए पे लाते थे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। अब बोलो सर, इससे फायदा क्या होता था? फायदा इससे ये होता था कि जैसे मान लो कहीं युद्ध के लिए जाना है, ठीक है, बात को ध्यान समझिएगा। अब युद्ध के लिए जाना है, ये सामने जो है हमारी दुश्मन की सेना खड़ी है, ठीक है। आप इधर से युद्ध के लिए गए और आप अपना सेना खड़ा कर दिए, इधर खड़ा कर दिए सेना, ये आपकी सेना इधर से है, फौज है। दुश्मन की सेना जब अटैकिंग करेगी तो पहले आगे वाला पे करेगी कि पीछे वाला पे? आगे वाला पे करेगी। ये अशोक ने क्या किया था,
आगे में जितना अस्थाई सेना था, लोगों को पकड़ पकड़ के लाता था चल लड़ने के लिए। कोई देखता क्या कर रहा है, मछली मार रहा है, चल राजा जी बुलाए हैं। अशोक का बुलावा जिसके पास जाता था, चाहे अगर वो घरवाली के साथ मजार जा रहा हो, वो घरवाली को छोड़ के अदरस्तम चल जाएगा। वहां पे कोई ना कहता ही नहीं था कि बुलावा किसकी है, सम्राट अशोक की। किसकी है? सम्राट अशोक की। अस्थाई सेना वालों क्या करता था कि बाहर में खड़ा कर देता था। क्या करता था? अस्थाई सेना ही बाहर खड़ा हो गया। जब इसकी सेना इस पे अटैक करेगी तो अस्थाई पे अटैक करेगी। अस्थाई सेना को मराना तय है, क्योंकि वो एक तो वेल ट्रेंड नहीं है, उसको जूता मोजा पहना दिया, टोपी पहना दिया, वो त्रिशूल भाला दे खड़ा कर दिया आगे, तो खड़ा हो जाओ। वो तो कोई ट्रेंड है, उसको वैसे घोप के मारना है। घोप के क्या करना है? मारना है। अब ये कोई ट्रेंड नहीं है, रणनीति समझो। इसकी सेना पूरी सामने वाले की ट्रेंड है, ये किसको अटैक करेगी? जो हमारा अस्थाई सेना है, अस्थाई सेना को मार देगी। इसको मराने के लिए लोग को बुला पकड़ लाया जाता था। मराने चक्कर में दो चार को मारा तो ठीक, नहीं मारा तो कोई बात नहीं, ये मरा जाएगी। ये लोग इसको मारते मारते ये लोग थक जाएंगे। क्या हो जाएंगे? थक जाएंगे। फिर निकलेगा इसका अस्थाई सेना, जो प्रॉपर वेल ट्रेंड है, एनएसजी कमांडो, धर के थूर देगा। और युद्ध क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। समझे? सेम रणनीति था हमारे गवर्नमेंट की, अच्छी रणनीति था। लेकिन हमारे गवर्नमेंट की जो रणनीति था, उसमें था कि हम सेना को पहले ट्रेनिंग देंगे। क्या देंगे? ट्रेनिंग। मतलब जो 3 साल के लिए होगा, वो ऐसा नहीं है कि 3 साल के बाद भगा दिया जाएगा, कुछ को परमानेंट किया जाएगा और कुछ को होल्ड किया जाएगा, लेकिन वेल ट्रेंड किया जाएगा। लेकिन ससुराल अशोक का कोई नियम ही नहीं था। पकड़ के कहीं थे लुंगी पहन ले चल, वैसी चल, पकड़ के ले गया। अब पैंट शर्ट पहना दिया है, वो देते नहीं, मुकुट पहना देता था, अलग ऐसे खड़ा कर दिया, आगे के लाइन से खड़ा हो जाओ। तो अशोक की सेना में कितने सेना होते थे? दो तरह के। कितने बोलो? अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई क्या होते थे? वेल ट्रेंड। और क्या होते थे? उठा के ले आए कहीं से, पैसा पे, दिहाड़ी पे। ये कौन होते थे? दिहाड़ी पे। सेना समझ में आया? ठीक है। अब सेना इसका ऐसा था, देखो एक्चुअली अशोक के पास जो था ना, ये इसके पास दो चीज बहुत बेहतरीन थे, एक हाथी और एक बढ़ई। हाथी और बढ़ई। हाथी कहाँ से लाया था? कहाँ से? कलिंग से। कहाँ से लाया था? बताया था ना, कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था? हाथियों के लिए। अब बढ़ई कहाँ से लाया था ये? इसका तो अपना बढ़ई था, क्योंकि इधर मगध के क्षेत्र में बढ़ई। तीनों बढ़ई कारपेंटर। कारपेंटर क्या था? वैसे ही क्या था? फेमस था। इनके पास बढ़ई और कारपेंटर बहुत था, लोहार भी इसके पास बहुत था, इसीलिए अस्त्र शस्त्र ये आसानी से बना लेते थे और किसी को भी घोप के मारते थे। इनके पास शस्त्र की कोई कमी नहीं था। ठीक है, अब आइए, अब इसकी बात करते हैं पुलिस की। किसकी बात करते हैं? पुलिस की। अशोक के पुलिस को क्या कहा जाता था? अशोक के पुलिस को राक्षिन कहा जाता था। हमें लगता है यही सबसे बढ़िया नाम था। क्या कहा जाता था? राक्षिन। राक्षिन समझते हैं? नहीं समझते हैं? नहीं, वो राक्षस होता है पुरुष। घर में मम्मी कहती है ना, राक्षस है। घर में मम्मी नहीं कहती है, तू राक्षस है का रे, इतना जल्दी छूत रहा है। हाँ, तो पुलिस को क्या कहा जाता था? राक्षिन। इसकी मम्मी कहते रहती है, ठीक है, इनकी मम्मी अब उसका अपग्रेड वर्जन कहती है, चुड़ैल। पुलिस पुलिस को क्या कहते थे? राक्षिन। इनके पास जो न्यायालय होता था, न्यायालय ऐसे लिखते हैं जी, न्यायालय हम गलती लिख देते हैं। न्यायालय जो होते थे वो दो तरह के होते थे। एक न्यायालय जो होता था जिसको वो बोला जाता था धर्मस्थली, और दूसरा बोलते थे कटक सूद। धर्म
स्थली, दूसरा होता था कटक शूट। जो धर्मस्थली होता था इसमें दीवानी मुकदमे चलते थे, कौन सा मुकदमा, दीवानी, और दूसरा में फौजदारी। अब आप लोग को ये नहीं समझ में आ रहा होगा दीवानी मुकदमे क्या होते हैं, फौजदारी मुकदमे क्या होते हैं। जो मुकदमा धन धन संपत्ति या जमीन का मामला होता है, आपका कोई जमीन हड़प लिया, आपका कोई धन संपत्ति ले लिया, ये कौन से मुकदमे होते हैं, दीवानी। दीवानी मुकदमे में मारपीट नहीं होता है, मारपीट नहीं होता है। इसमें नॉर्मल जाओगे तो इसमें क्या होगा, जुर्माना होगा, क्या होगा, क्या होगा, जुर्माना होगा। फौजदारी मुकदमा उसे कहते हैं जिसमें आपने मारपीट करके गए हों, मारपीट या लूट या हत्या, मतलब धन संपत्ति और जमींदारी से, जमीन से मामला जो नहीं है बाकी किसमें आएगा, फौजदारी में। किसमें आएगा, फौजदारी में। फौजदारी मुकदमे में आपके साथ कुछ भी हो सकता है, पुलिस रिमांड पे ले सकती है। आप पुलिस रिमांड पे लेगी तो सूजी भी खिलाएगी अच्छे से, एकदम बढ़िया से, 4 दिन के अजम के धुलाई करेगी। किसमें, फौजदारी में। यानी फौजदारी में क्या होता है जी, इसमें मारपीट भी होता है और क्या होता है, जेल होता है। बोलो, जुर्माना नहीं समझते हैं, इसमें भी होता है लेकिन इसमें जुर्माना के साथ साथ बहुत कुछ होता है। इसमें सिर्फ जुर्माना, इसमें जाओ तो बढ़िया थे। अच्छा, आपने उसकी जमीन हड़प लिया है, जमीन उसका दे दो, आपके ऊपर 4 साल से जमीन हड़प रखे हैं, 4 साल में इतना अनाज उग जाता है बंदा, इतना आप जुर्माना इसको दोगे और जमीन भी दोगे। अगर जुर्माना नहीं दोगे तब फिर आपका किस में आ जाएगा, फौजदारी में आ जाएगा और घसीट के लेके जाएगा जेल में बंद कर देगा। ठीक है, तो जो दीवानी मुकदमे होते हैं उसमें नॉर्मली क्या होता है, जुर्माना होता है। ये अशोक के समय में भी था, अशोक के समय में भी था। तो न्यायालय कितने थे, दो, एक को क्या कहा गया, धर्मस्थली, दूसरे को कटक सोध। क्या कहा गया, कटक सोध। बोलो, धर्मस्थली कटक सोध, धर्मस्थली कटक सोध, धर्मस्थली। इससे क्या थे, न्यायालय थे। इसमें गुप्तचर भी हुआ करता था, गुप्तचर समझते हैं जी। हाँ जी, अब गुप्तचर से एक सवाल पूछूंगा फिर बताओगे आप लोग, और नहीं बताओगे तो यहीं से ये डस्टर फेंक के मारेंगे इसे। हाँ पंडित जी, तो वो नहीं बताएगा, वो पढ़ता ही नहीं है, ये बताएंगे। अजात शत्रु के दरबार में एक प्रसिद्ध गुप्तचर रहता था, उसका नाम क्या था, ये बताएंगी, और कोई नहीं बोलेगा। अजात शत्रु के दरबार में एक प्रसिद्ध गुप्तचर रहता था, उसका नाम क्या था। नहीं पढ़ी है, पढ़ी है ना, चलो तुम बताओ, लड़कियों को हिंट दे रहे, तुम बताओ, वो तो पलट के देख रही है। उसके नहीं हिंट देते हैं, उसके नाम से एक ऋतु चलता है, ऋतु है देवड़ी, वर्षाकार। कौन था, वर्षाकार था गुप्तचर। अब इसके में जो गुप्तचर थे इनको गुड़ पुरुष कहा जाता था। गुप्तचर क्या बोलते थे, गुड़ पुरुष, क्या बोलते थे, गुड़ पुरुष। ये दो तरह के होते थे, एक को बोलते थे संस्था और एक को बोलते थे संचार। आइए, अल्लाह नहीं, एक को बोलते हैं संस्था। इसके जो गुप्तचर होते थे उसमें एक को संस्था बोलते थे, दूसरे को संचार बोलते थे। क्या बोलते थे, अब समझते हैं संस्था क्या होता है, संचार। संचार का मतलब समझ गए होंगे, मूविंग। क्या होता है, मूविंग। तो आप यहां जाओ, उनको आप यहां के बैठ जाओ, आप यहां के बैठ जाओ, हाँ इनके पास बैठ जाओगे। हाँ आप आगे बैठना, बैठ खाली, क्या नाम है, ध्यान देखना, ये हिलना नहीं चाहिए।
इसे पैर मत रखो, हिलेगा फिर वो कैमरा। देखो संस्था क्या होता था, संचार क्या होता है, इसको समझते हैं। संस्था उसे कहते थे जो क्या है, जो आपका एक फिक्स जगह पे रहता था। संचार का मतलब क्या होता है, मूविंग। संचार होना मतलब फ्लो होना, क्या होना, फ्लो होना। गुप्तचर जैसे जब बैठे बैठे पता लगाए उसे क्या बोलते हैं, गुप्त मतलब संस्था। संचार मतलब जो जा करके गुप्तचर करे, यानी जैसे आपका क्या था, वर्षाकार। कौन था वर्षाकार, कैसा था, संस्था था कि संचार था, संचार। क्योंकि उसको कहाँ भेजा गया था, वैशाली। कहाँ भेजा गया था, वैशाली, पता करने के लिए, गुप्त रास्ता, गुप्त खुफिया। तो संचार का मतलब क्या हो जाएगा जी, मूविंग, जो एक जगह से दूसरे क्या होता है, मूव होता है। और संस्था मतलब जो एक ही जगह क्या रहता है, फिक्स रहता है, उसे क्या बोलते हैं, संस्था। और जो मूविंग होता है क्या बोलते हैं, संचार। कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट करना, जल्दी से नोट करो। हाँ संचार इंग्लिश में कम्युनिकेशन बोलते हैं, अंग्रेजी में इतना बोलते तो समझ में आता है, तो हमें सुनाई नहीं दिया। इतनी मुंह है पटा पटा बोलते रहते तो समझ में नहीं आता है। अभी तो नोट कर लो। हाँ जी नोट कर लिए। अब देखते हैं कि अशोक के समय में किस अधिकारी को क्या काम होता था, थोड़ा बहुत अधिकारी देख लेते हैं। ठीक है, उसके लिए भी उपाय है। यहाँ पे इसको वायर रखे हुए हैं, लगाओ झटका दो बार। लिख लिए, आ जाओ। अब आगे समझते हैं कि अशोक के समय में अधिकारी होते थे, किस अधिकारी को क्या काम होता था। एक अधिकारी होता था जिसको बोलते थे हम लोग, आ जाओ देखो इधर ध्यान से, सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष जो होता था ये कृषि विभाग को देखता था। किसको देखता था, कृषि विभाग को देखता था। से क्या बोलते थे, सीता अध्यक्ष, यानी कि जो कृषि से संबंधित जो भी व्यवस्था था वो कौन देखता था, सीता अध्यक्ष। अब पहले भी आज भी भारत क्या था, क्या है, कृषि प्रधान देश है। पहले भी कृषि प्रधान देश था, अशोक के समय में तो सब कृषि से ही होता था काम। अब जब सारा काम कृषि से होता है तो कृषि से जो इनकम होगा तो उसमें टैक्स लेना होगा। क्या टैक्स लेने के लिए अशोक खुद जाएगा, नहीं, एक अधिकारी नियुक्त करेगा, करेगा नहीं करेगा। अब अधिकारी जो नियुक्त करेगा, जो अधिकारी टैक्स लेता था उसको बोलते थे समाहर्ता। क्या बोलते थे, समाहर्ता। आज भी देखे होंगे आपके जिला में एक जगह होगा, इसको बोला जाएगा समरणालय, होगा ना, समरणालय देखा है, नाम सुने हैं, डीएम ऑफिस के आसपास आपको मिलेगा समरणालय।
मिलता है ना। समरणालय क्या होता है, जैसे आप जो भी जमीन उमीन खरीदेंगे ना उसकी तीन कॉपी बनेगा, एक कॉपी आपको मिलेगा, एक, हाँ जी, एक कॉपी कोर्ट में जमा होगी और तीसरी कॉपी कहाँ जाएगी, समरणालय जाएगी। काहे कि अगर कल को कुछ बात विवाद होगा तो कॉपी निकाली जाएगी कि चिटिंग कहीं से नहीं हो। इसे देखते हैं खतियान निकाला जाता है, बता इसके पहले किसके नाम पे था, इसके पहले किसके नाम पे था, तो एकदम पुराना पुराना रजिस्टर निकलता है। वो सब कहाँ रखा रहता है, समरणालय में। कहाँ रखा रहता है, समरणालय में। तो जो टैक्स लेता था उसको क्या बोलते थे, समारता। क्या लेते थे, समारता। यानी इसका काम क्या था, टैक्स की वसूली करना, टैक्स की वसूली करना। अब सुनो, जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज जो थे इसी को जो टैक्स जो बंदा कलेक्ट करता था, वसूली मतलब कलेक्ट करना, इसी का नाम रख दिया अंग्रेज ने कलेक्टर। क्या नाम रख दिया, कलेक्टर। कलेक्टर नहीं जानते हैं, हाँ, तो उसे क्या नाम रख दिया, कलेक्टर। आज देखते हैं जो टैक्स का मेन अधिकारी वो सब होता है डीएम के अंडर में, सब आते हैं जो रजिस्ट्रार होते हैं ना, तो सब किसके अंडर में आते हैं, डीएम के अंदर में आते हैं, ठीक है। अब एक बार बताओ, अब जो टैक्स कलेक्ट करने वाला अधिकारी है समाहर्ता, क्या टैक्स वसूल के खुद रखेगा, किसी ने किसी को देगा, जिसको देगा उसको बोलते थे सन्निहाता, सन्निहाता। क्या बोलते थे, सन्निहाता। सन्निहाता क्या होता था, ठीक है, ये टैक्स टैक्स लेकर कहाँ जाता था, टैक्स लेकर राजा राजा के पास जाता था। यानी कि अब साफ साफ ऐसे लिखो कि जो टैक्स जो समाहर्ता था वो टैक्स किसको पे करता था, सन्निहाता को, टैक्स सन्निहाता को देता था, ठीक है। यानी सुनना, कृषि विभाग सीताध्यक्ष, कृषि विभाग बोलो सीताध्यक्ष, कृषि विभाग में टैक्स होगा, टैक्स को कलेक्ट कौन करेगा, समाहर्ता। कौन करेगा, समाहर्ता। समाहर्ता किसको टैक्स देगा, सन्निहाता। किसको देगा, सन्निहाता। वो टैक्स ले लेगा और टैक्स लेके फिर अपना राजा के पास जाके जमा कर देगा। क्या कर देगा, जमा कर देगा। इनके समय में जंगल हुआ करता था, क्या हुआ करता था, जंगल को भी देख रेख करने के लिए इन्होंने एक अधिकारी नियुक्त किया था जिनको कहा गया आंटिविक। क्या कहा गया, क्या कहा गया, आंटिविक। इसका काम क्या था जी, जंगल का देखरेख करना, किसका, जंगल का देखरेख करना। तो जंगल का देखरेख कौन करता था, आंटिविक। कौन करता था, आंटिविक। एक राज्य था जिसको खनन की देखरेख करना था। खनन समझते हैं, जमीन से जो खुदाई होती है, लोहा निकला, अवरक निकला, तांबा निकला, टीन निकला, तो कहीं बेचा गया, तो इसको देख रेख कौन करेगा, कोई ना कोई अधिकारी होगा। इसके अधिकारी को कहा गया था अकरा अध्यक्ष, अकरा अध्यक्ष। एक किसकी जिम्मेदारी थी जी, खनन की, खनन की जिम्मेदारी, खनन की जिम्मेदारी किसकी थी, अकरा अध्यक्ष। किसकी थी, आकरा अध्यक्ष। एक था जिसके अंडर में सारी मुद्रा आती थी कि कौन से मुद्रा छपेगा, कितना मुद्रा छपेगा, कितने क्वांटिटी मुद्रा कहाँ जाएंगे, कहाँ से मुद्रा आएगा, कहाँ मुद्रा व्यय होगा। एक मुद्रा अधिकारी था जिसको कहा गया था लक्ष्मणा अध्यक्ष, लक्ष्मणा अध्यक्ष। ये कौन था जी, मुद्रा की देखरेख करने वाला मुद्रा अधिकारी। कौन था, मुद्रा अधिकारी। यानी इसके अंदर में क्या था, मुद्रा की देखरेख करना, मुद्रा की व्यवस्था करना, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, नोट करना है।
कर लिए नोट। इसके बाद मौर्य वंश में कोई ढंग का शासन नहीं हुआ, यहीं पे लिख देता हूं। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था, ऊपर का दो लाइन मिटा रहा हूं सिर्फ, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था उनका नाम क्या था? वीरदस्त। क्या नाम था? वीरदस्त। वो वीरदस्त नहीं, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वीरदस्त। कौन था? वीरदस्त। ये एक नंबर का महाबैल था, एकदम अयोग्य था। अय्याशी करना, पैसा उड़ाना, दारू पीना, शराब करना, कोई गुण नहीं था इसके अंदर। हाँ, वीरदस्त। ये वो अलग था वीरदस्त, ये वीरदस्त अलग है, ठीक है। तो ये वीरदस्त है, ये एकदम क्या था? अयोग्य शासक था। कैसा था? अयोग्य शासक था, एक नंबर का महाबैल था। इसकी हत्या इसके सेनापति, वीरदस्त के सेनापति, क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग। इसकी हत्या किसके द्वारा कर दी गई? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई। और कहा बैनर हटाओ, अब एक नया वंश बनेगा जिसका नाम क्या था? शुंग वंश। तो वीरदस्त की हत्या किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने। और एक नए वंश की स्थापना होगी, इसका बोलेंगे शुंग वंश। हाँ जी, सेनापति था। क्या था? इसको मिटा दो नीचे वाले को, शुंग वंश। तो पढ़े शुंग वंश फटाफट जल्दी जल्दी, थोड़ी सी चर्चा कर लेते शुंग वंश की। आइए, अरे आ जाओ, शुंग वंश के बारे में अच्छा बात बता रहे हैं, ठीक है। अब किसकी सरकार आ गई? शुंग वंश की। आइए, आपको एक ट्रिक लिखा है, याद है? हसीन मसूक शाह। हसे हरियक वंश, स से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश। अब क्या आएगा? शुंग वंश। शुंग वंश। इसके बाद कर्ण वंश, ये नहीं पढ़ना आपको, इससे कुछ नहीं है, बैल था एक नंबर के, कुछ कर भी नहीं किया। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग? सातवाहन वंश। इसी बीच में हमारे आएंगे शक आएंगे। कौन घुसेगा? शक घुसेगा, हिंद यूनानी घुसेगा, कुषाण आएगा, इसी के बीच में आएगा। फिर कौन आएगा? सातवाहन वंश आएगा। सिस्टमेटिक पढ़ते चलना है। देखो, आप पुराना चीज याद रखा करिएगा। हरियक वंश का संस्थापक बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। अंतिम शासक कहा था ना, पहला और अंतिम याद रखना है, नाग दशक। कौन था? नाग दशक। दूसरा शिशुनाग वंश, इसका संस्थापक शिशुनाग। कौन था? शिशुनाग, ठीक है। तीसरा इसका शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदी वर्मन। कौन था? नंदी वर्मन, याद रखिएगा। नंद वंश संस्थापक महापद्म नंद, अंतिम शासक घनानंद। कौन था? घनानंद। मौर्य वंश संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, अंतिम शासक वीरदस्त। अब कौन आएगा? शुंग वंश। सिस्टमेटिक रखते चलना है, अप टू डेट, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। स्टार्ट करें जी शुंग वंश, चलो कल करेंगे। याद रखिएगा, कल क्या पढ़ना हम लोग को? शुंग वंश। ये कल क्या करेंगे हम लोग? कल स्टार्ट करेंगे, कल शुंग वंश पढ़ लेंगे, कर्ण वंश पढ़ लेंगे, और कोशिश करेंगे सातवाहन वंश भी पढ़ लें, बीच में कुछ घुसेगा उसको देख लेंगे, ठीक है। रिवीजन करके आएंगे। आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं, सबसे बड़ा बीमारी यही है, पढ़ाने में मूड खराब हो जाता है और ज़्यादा पढ़ाने का मन नहीं करता है। फिर हम शॉर्टकट भागने लग गए ना, तो 3 दिन में इतिहास खत्म हो जाएगा, आप भी खुश हम भी खुश, ठीक है। आप लोग के भले के लिए पढ़ाते इतना मेहनत से, तो थोड़ा सा रिवीजन करते चला करो, ठीक है।